ये तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी और आप पहचानते होंगे, ये फलस्तीन में हमास के लीडर हैं जो ग्राउंड पर जंग लड़ रहे हैं पिछले 10 महीने से। इनका नाम है याहिया सिनवर। गाजा में जितने भी ज़मीनी ऑपरेशंस चल रहे हैं वो सब इन्हीं की अगुवाई में चल रहे हैं, इन्हीं की देखरेख में चल रहे हैं, पूरी जंग इन्हीं के कमांड में लड़ी जा रही है। इस्माइल हनिया की 1 तारीख को हत्या हो जाने के बाद हमास ने याहिया सिनवर को नया लीडर अपॉइंट किया है। अब ये पॉलिटिकल ब्यूरो के इंचार्ज होंगे हमास की तरफ से, यानी कि याहिया सिनवर अब जो काम इस्माइल हनिया सियासी तौर पर कर रहे थे वो काम करेंगे। इनकी हत्या करने के लिए इस्राइल ने पूरी ताकत झोंक रखी है और ये इस्माइल हनिया से पहले टारगेट पर थे, टॉप टारगेट में नंबर 1 पर ये रहे। इनका लंबा इतिहास है, बड़ी लंबी इन्होंने लड़ाई लड़ी है फलस्तीन के लिए, लंबी जेलें काट में रहे और बहुत इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानियाँ दी हैं फलस्तीन की जंग के दौरान। अब ये हमास की तरफ से उनके लीडर अपॉइंट कर दिए गए, याहिया सिनवर इनका नाम है, बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ही फुर्तीले और जोश जरोश एक अच्छे कमांडर हैं।